हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कराची सिटी कोर्ट के माल खाने में फिर आग भड़क उठी। डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस को भी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने में मसरूफ। आईजी सिंह ने बजाहिर कोताही का इम्कान रद्द कर दिया। शॉर्ट सर्किट टकरा। ये नेचुरल चीज है, इसमें कोई ऐसी कोताही नहीं है, लेकिन लगता है कि क्योंकि बंद था मालखाना और बिल्कुल अंदर कोई भी नहीं था, लिहाजा बाहर ये ऐसा लगता है कि ये एक शॉर्ट सर्किटिंग की आग है। कौन बनेगा निगरा वजीर आजम? हुकूमत और अपोजिशन की तीसरी बैठक लग गई। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह सर जोड़ बैठे। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत। साबिक वजीर शरीफ और मरियम नवाज अदालत में पेश। एहतसाब अदालत के बाहर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। के इलेक्ट्रिक और सुई सर्दन की लड़ाई में आवाम पिस गई। तवील दौरानिये की लोड शेडिंग ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। नेप्रा का नोटिस कि इलेक्ट्रिक की वजाहतें मुस्तरद। नेप्रा टीम लोड शेडिंग की वजूहात का खोज लगाने आज कराची आ रही है। वजीर आला पंजाब आज पेशावर जाएंगे। कप्तान की शहर में मौजूदगी के दौरान सियासी माहौल गरमाएंगे। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब और पार्टी की सूबाई कयादत से मुलाकातें तय। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी मिलेंगे। साबिक वफाकी वजीर गुलाम अहमद बलोर की रिहाइश पर भी आमद मुतवक्के। कंदकोट में खसरा का खतरा बढ़ गया। गौसपुर में मजीद एक बच्चे की हलाकत। दो माह में मर्ज के बाइस जाबहक बच्चों की तादाद 33 हो गई। शाम पर बड़ी जंग के बादल मंडलाने लगे। सलामती काउंसिल में रूस ने शाम में कीमियाई हमले के खिलाफ तहकीकात की करारदाद मुस्तैद कर दी। करारदाद अमरीका की जानिब से पेश की गई। बरतानिया और फ्रांस का शाम के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर गौर। यूरोजोन ट्रैफिक कंट्रोल ने एयरलाइंस को आइंदा 72 घंटे में शाम पर मुमकिन हमले की वार्निंग जारी कर। जकरबर्ग अमरीकी कांग्रेस की मुश्तरका सामने पेश। 5 घंटे तवील सवाल जवाब। डेटा शेयरिंग स्कैंडल पर माफी मांगते हुए जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा रूसी मुदाखलत का मुकाबला कर रहे हैं। फेसबुक को असलहे की जंग का सामना है।